So we have two kind of solutions. One is ideal solution, second is non-ideal. What do we have in ideal solution? First point follows Raoult's law. Right? What is Raoult's law here exactly? PA is equal to, partial pressure is equal to P naught A chi A, and PB is equal to P naught B chi B. Just guess karo, iske just against, isme non-ideal mein kya hoga? Does not follow? Raoult's law. Not follow Raoult's law. To ye batao, ki does not follow ki jab baat uthti hai na. Right. In this case, it's not equal to P naught A chi A. And PB is not equal to P naught B chi B. Okay. In ideal, what happens? This is the status. In non-ideal, what happens? Does not follow Raoult's law. PA is not equal to P naught A chi A. PB is not equal to P naught B chi B. Does not equal to, समझ में आ गई आपको. Second क्या होता है इसका? यहाँ के केस में, ideal वाली situation में, second point, वो continue करेगा, और non-ideal में क्या है? Second के केस में आता है कि आप जब एक चीज हमको बताओ ना, बेटा जब हम बोलेंगे कि 4 मिलीलीटर ये मिल्क में ठीक है 1 मिलीलीटर वाटर डाल दिया गया तो कितना वॉल्यूम हो गया 5 मिलीलीटर राइट इसका मतलब आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ना आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वही हुआ मतलब देयर इज नो चेंज तो तुम बोलोगे मिस कभी चेंज कहाँ होता है जब भी दो लिक्विड डालेंगे तो चेंज थोड़ी होगा वो तो एड होकर के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा लेकिन जान लो एक चीज नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा This is not equal to this change is there. क्यों? Chemical reaction हो जाएगा. यदि हम कोई ऐसा substance लेते हैं 4 मिलीलीटर A और 1 मिलीलीटर B डाले, ये A and B मिलकर के C बना दिया, तो C का volume अलग होगा. This volume can increase or can decrease. This can increase or can decrease. क्यों होगा ऐसा? बेटा क्यों क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होगा क्योंकि चांसेस हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हो जाए सो नॉन आइडियल ऐसा है कि यदि आपके जो सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं दे कैन रिएक्ट एंड दे आर गोइंग टू मेक न्यू प्रोडक्ट इन विच वॉल्यूम कैन चेंज सो वी आर एक्सपेक्टिंग द डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है तीसरी बात मैम ये पॉइंट फिर से बता दीजिए आपको जैसे बता रहे हैं ना कि आप जब दो चीज को मिलाते हो और जो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सही है आपने 4 को 1 में मिलाया तो नेचुरली 5 होगा इट मींस देयर इज नो चेंज जब दो चीज आप मिला रहे हो तो आपका जो कैलकुलेशन है जो अंदाज था उसमें कोई बदलाव नहीं आया है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग मतलब कि ए का जो वॉल्यूम 4 मिलीलीटर है वो 4 है ये हमको पता है इसका 4:1 रेशियो है इसमें कोई चेंज नहीं है लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा ए एंड बी को मिलाने के बाद कुछ ऐसा होगा केमिकल रिएक्शंस ए के भी वॉल्यूम घट जाएंगे तुम जैसे ये पानी और दूध मिलाओगे तो बेटा पता है कि 4 लीटर या 4 लीटर सपोज 4 लीटर हम लिए वो पता है कि 4 लीटर के हिसाब से वो दूध दिख रहा है और 1 लीटर पानी दिख रहा है उसके अंदर लेकिन जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा यदि हम 4 लीटर ए लिए और 1 लीटर बी लिए हो सकता है घट करके वो दो ये इनके बीच में कुछ गुटर गुटर होगा कुछ होगा ऐसा जिससे कि जो नया सब्सटेंस आएगा वो नया सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो ए एंड बी के वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर देगा जो उनकी जो क्वांटिटी है उसको वो डिस्टर्ब करेगा इट हैपेंस इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड क्यों ऐसा होता है बिकॉज देयर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी समझ आ रही है बात मैम जीरो क्यों लिखना क्योंकि बदलाव नहीं आया व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस साइन Change ही नहीं हुआ तो नहीं लिखी वी मिक्सिंग दो चीज को मिलाने के बाद कोई बदलाव ही नहीं हुआ ए का ए जो जितना 4 लीटर है वो 4 लीटर ही रहा
भी जो एक लीटर है वो एक ही लीटर रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चला कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि दोनों को मिला के वॉल्यूम 5 लीटर आ रहा है या 5 मिलीलीटर जो भी बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा जो मेजरिंग फ्लास्क है उसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। 5 आया इसका मतलब कि आपके ए के वॉल्यूम में चेंज नहीं है, बी के वॉल्यूम में चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई टोटल वॉल्यूम इज कमिंग एज 5 मिलीलीटर। बट इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज व्हाट, व्हेन यू आर मिक्सिंग ए विद बी, घट गया या बढ़ गया? क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा? इसका मतलब है कि ए के वॉल्यूम में चेंज आया है वहां पर, केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ है। ठीक है, या तो वॉल्यूम घटा है या वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। Now, what's the meaning of delta H mixing is equal to zero? When you are mixing solute with solvent, जब दो चीज आप मिला रहे हो ना, बेटा अक्सर कहा जाता है कि when chemical reaction takes place, either heat energy is released or heat energy is absorbed. मतलब नियम है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है? When you are mixing two in non-ideal, इस केस में neither heat, neither energy released. Released, not absorbed. As such a situation. Neither energy released nor absorbed. But what happens in the case of non-ideal solution? Energy released bhi hoga, energy absorbed bhi hoga. Yeah, exothermic bhi hoga. And ye kab hota hai? Jab acha khasa जो चीज आप मिला रहे हो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी होगी बढ़िया से। आगे आप बोलोगे मिस कैसे सॉल्यूशंस के साथ ऐसा होता है, व्हाट इज द कंडीशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हिच इज आइडियल एंड व्हिच इज नॉन आइडियल। आपको कैसे पता चलेगा कंडीशंस फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, हाउ एग्जैक्टली यू विल गेट टू नो। आइडियल के केस में क्या है और नॉन आइडियल के केस में क्या है, इसके लिए कंडीशंस बताई जा रही है। ये तभी पॉसिबल है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि जो ए एक कंटेनर में ए रखा हुआ था, दूसरे कंटेनर में बी, तो ए की जो दोस्ती ए अपने खानदान वालों से है, दूसरा जितना भी ए, सपोज आप एक सब्सटेंस उठाए, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग हेक्सेन और दूसरा सब्सटेंस है हेप्टेन, इसका जैसा स्वभाव है, नेचर है, और इसका जैसा नेचर है दूसरे के साथ कैसे रहता है, ये आपका हेक्सेन है, एल्केन खानदान है, दिस इज हेप्टेन। जब हम इसको मिलाएंगे ना, व्हेन आई एम गोइंग टू मिक्स ए विद बी, तो ए एंड बी के बीच का जो रिलेशन होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ए का अपने घर वालों के साथ है, ए के साथ था, बी का अपने बी के साथ था। देखो जैसे आज अभी आप रह रहे हो बेटा, जिस बिहार में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, दूसरा स्टूडेंट्स जो है वो भी बिहार का ही है, उसको पता है कि सवेरे क्या खाना है, किस तरह का लैंग्वेज है, किस तरह की चीज है। तो जब हॉस्टल जाता है, यदि अपने ही तरह के फ्रेंड्स मिल गए, अपने ही तरह के मतलब क्या, उसका खान पान कैसा है, किस तरह का लैंग्वेज है, किस तरह की बातें करता है, यदि उसी टाइप का फ्रेंड आपको हॉस्टल के रूम में मिल गया, देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन। आपको अपने घर की याद नहीं आएगी, आपको उसको कहा जाता है कि आप मिक्स करने के बाद भी ना आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, यू आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल इन हॉस्टल। आइडियल सिचुएशन इज वॉट, जो ए एंड बी के सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो टाइप ऑफ इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, चाहे कुछ भी होगा, दिस विल बी इक्वल टू किसका, ए इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन। समझ आ रही है? किस सोल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, किस सोल्यूशन में, मतलब कि उसको एक को बिल्कुल नई जगह पे जाकर के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ नई जगह पे आ गए हैं। क्यों नहीं लगेगा कुछ हम नई जगह पे आ गए हैं?
अभी बहुत सारे बच्चे अभी अपने 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 स्कूल चेंज किए होंगे, ठीक है, आपको मौका नहीं मिला अभी स्कूल के माहौल में जाने का। यदि उन बच्चों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा स्कूल में क्या है, यदि उसको लगे कि सेम माहौल मिल गया, माहौल का मतलब समझ रहे हो, सेम टाइप के फ्रेंड्स मिल गए, देन दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी वेरी 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 कंफर्टेबल, बहुत खुश रहता है बच्चा। एंड वहां पर ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा वैसे सिचुएशन में, ना तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एकदम न्यूट्रल बिहेवियर, उसको ना तो बहुत ज्यादा अफेक्शन होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको लगेगा जैसे हम पिछले वालों के साथ थे, और ना तो झगड़ा हो रहा है। देखो जब झगड़ा होता है कोई चीज का और जब दोस्ती होती है, एकदम से तुम लोग 11th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट रखना, जब बॉन्ड बनता है एनर्जी इज रिलीज, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो ये बात को आप हर समय जान लीजिए, जब आइडियल सिचुएशन होता है, आइडियल सिचुएशन में जो नया चीज, नया सब्सटेंस बना, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, दैट इज बिल्कुल सेम एज AA एंड BB। सल्यूट सल्यूट मीन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से विजुलाइज करते हुए समझना है, इज इक्वल टू सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं सोल्यूशन ऑफ, अभी अभी दिए थे हम आपको, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है। फिर दूसरा है, एक पहला एग्जाम्पल, सेकेंड है बेंजीन एंड टॉल, मतलब एक जैसे नेचर वाले, एक टेम्परमेंट वाले होंगे, एक टेम्परमेंट वाले होंगे तो आराम से काम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या है वो देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ के केस में ये जान लीजिए कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। सपोज करो जब शुरुआत में आप जाओगे ना, बीइंग अ बिहारी, व्हेन यू विल मीट पंजाबी, व्हेन यू विल मीट साउथ इंडियन, जो आपको रूम असाइन किया जाएगा, ये अलॉट किया जाएगा, ये जान लो कि फर्स्ट ईयर आप अपने रूम अपने मन से अलॉट नहीं कर सकते हो, आपके रैंकिंग जो आते हैं ना उसके बेसिस पर रूम अलॉट होगा। तो आपको रूम रैंकिंग तो ऑल इंडिया बेसिस पर आता है, इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो उस समय फर्स्ट ईयर में आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि नहीं हम अपने मन से अपने पसंद के लड़के के साथ रहें, सवाल ही नहीं उठता है। आपको वहाँ डिसाइड करना होगा, वहाँ पर आपको दिया जाएगा कि यू हैव टू स्टे विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो आपका साउथ का होगा या फिर हरियाणा का होगा या पंजाब का होगा, इस तरह की चीज़ होगी। उस केस में चक्कर क्या होता है कि ये बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ये जो सल्यूट सॉल्वेंट है, हरियाणा पंजाब इन लोगों के एक्सपोजर दूसरे तरीके से है, अगर रात में अचानक से तुम सोना चाह रहे हो एक बजे गाना गाना शुरू कर देगा, अब आई एम नॉट जजमेंटल इन दैट वे, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना वो बिहारी भी कर सकते हैं, बिहारी बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब तो ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम सोना चाह रहे हो वो लोग गाना गा देगा, चार जने एक रूम में रहेंगे, लड़कियों के साथ भी बात करें, लड़कियाँ तो एकदम से तमाशा कर देती हैं, मतलब दूसरी तरह की लड़ाई होती है, बॉयज तो धीरे धीरे उन लोगों को स्कूल में आदत पड़ी भी रहती है, बुली वगैरह होता रहता है तो आदत पड़ी भी रहती है, गर्ल्स के लिए नई चीज़ें होती है, गर्ल्स में गर्ल्स के साथ ज़्यादा परेशानी होने लगती है वहाँ पर। तो एक बात यहाँ धीरे धीरे यदि होशियार है, समझ में आ गया, पेरेंट्स अच्छे से सपोर्ट कर देते हैं, समझा देते हैं कि भाई नई जगह पर आप सीखते हो आप किस तरह के लोगों के साथ डील करनी है, तो नॉन आइडियल में जान लो कि आपको बिल्कुल ही नई जगह पर ये आप हो, ये आप बिहार से गए हो और ये दूसरी जगह से आया है, तो उसको भी परेशानी हो रही है आपके साथ एडजस्ट करने में, उसको भी हो रही है। नंबर ऑफ टाइम्स बाहर के वाले सब कहते हैं ना कि बिहारी बड़े गंदे तरीके से रहते हैं, तो कपड़े ये हुआ तो एक ही कपड़े को 5 दिन पहन रहे हैं, मतलब ये बेटा once again I'm pointing out this is not for everybody, so you don't have to feel bad for Mrs. Singh. मतलब ये कहना है, ये कहना है, ये stereotyping. ये मुंबई का बेटा कहना था, दे एक बार आप लोग पैदा नहीं हुए थे तो बहुत बड़ा वहाँ पर nuisance create हुआ था, उन्होंने बोला था कि बिहारी जो है ना जिस बेड पे खाते हैं, मतलब प्लेट लगा कर बेड पे खाते हैं, ठीक है, और उसी में फिर स्पिट भी करते हैं, और ये होता है गाँव में, बेटा वो जो दामाद और बहू लोग आती हैं शुरू में ना, तो आपको उसी कॉट पे दे दिया जाता है, इट
तो किसी किसी के यहाँ एकदम से कैजुअली अभी भी होता है, चादर बिछा दिया जाएगा, आप जिस बेड पर सोते हो चादर बिछा दिया जाता है, और नखरा जो खासकर जो गेस्ट आएंगे या बहुत बार अपने बेटा लोगों को भी बेटा बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, ऐसा होता है बेड पे चादर वादर डाल करके उसी में पड़ भी रहे हैं एक तरफ, और एक खाना भी खा रहा है, बादल गिर भी रहा है उसी तौलिया वगैरह डाल करके. सो दिस इज वेरी पॉपुलर एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब ये हम भी देखे हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं गाँव में ऐसा होता है. तो उसके बाद हटा दिया जाएगा वहाँ पर इस चीज में. तो आपको ये इस चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इस तरह की गंदगी रहती है. एंड ही वॉज जो अभी चीफ मिनिस्टर है ना वहाँ पे, उनके फादर ठाकरे, हम बहुत हंगामा हुआ था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, दे वर थ्रोइंग बिहारी फ्रॉम दैट साइड. तो आपको आप लोग उस चीज को नहीं फेस किए थे. तो उसको कहते हैं कि अभी आप बाहर जाओगे तो यू विल स्टार्ट हाइडिंग योर नी आइडेंटिटी ऑल्सो, यू विल स्टार्ट हाइडिंग योर आइडेंटिटी. क्यों ऐसा आइडेंटिटी हम हाइड करेंगे, हम क्यों करेंगे आइडेंटिटी हाइड अपनी, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन, एक आउटलाइन बना हुआ है कि ऐसे होते हैं. तो वहां पर लड़ाई फिर शुरू हो जाती है, जब तुमको पूरे ईगो पे ईगो हट होगा तो वहां लड़ाई शुरू हो जाती है. लड़ाई शुरू होगी तो फिर वही बता रहे हैं विच टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट इज गोइंग टू बी मेड, नॉन आइडियल. समझ आ रही है? सेकेंड डेल्टा, ये कंडीशन समझ में आ गया कि वाई एग्जैक्टली इट हैपेंस. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, interaction is not equal to solute and solvent interaction. Solute and solvent interaction. Solute-solvent interaction is not equal to solute and solvent interaction. Samajh mein aa rahi? That is a state for non-ideal. Next hum log kya baat kar rahe hain, jin non-ideal solutions jab hum utha rahe hain, ma'am what are the examples of non-ideal? abhi aayega kyunki jab humne not equal to bola hai तो आपके अब क्वेश्चन क्या आने चाहिए ना, कि नॉट इक्वल टू है तो क्या मिस लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर. नॉट इक्वल टू का मतलब क्या इंडिकेशन होता है, लेस देन एज वेल एज ग्रेटर है. तो अब हमको उसको क्लियर करना होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ठीक से. सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, solution with negative deviation. ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या है वो देखो. ऐसा इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है यहाँ के केस में बेटा सब कुछ ग्रेटर देन साइन होगा. नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, कुछ तो चेंज है. पी नॉट ए type A, PB is greater than P not B, type B. Second, समझ आ रही है यहाँ पर? P A is greater than ये वाली बात. Second, yes, please. Delta V mixing is greater than zero. आपको बताएंगे इसको, समझाएंगे हम. बस एक बार format लिख देते हैं. सब greater than होगा. Greater than का मतलब हो गया delta H mixing is positive. Delta H is positive. Positive means endothermic. इसको समझाएंगे अभी आपको. बस आप देख लो कि क्या लिख रहे हैं. जब नॉन आइडियल सोल्यूशन का जब कभी भी आपको एग्जाम्पल देनी होगी तो आपको ये देखना होगा कि इट हैज टू बी पॉजिटिव डेविएशन वाला या नेगेटिव डेविएशन वाला. यहाँ क्या लिखें, गेस करें. लेस Less than P is less than P not A, K is P B is less than P not B, K B. Delta V is less than zero. Volume is less than zero and temperature heat is
अब जानते हो समझना है ये नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक चक्कर क्या है कंडीशंस वगैरह क्या है कौन पॉजिटिव दिखाता है कौन नेगेटिव दिखाता है बढ़ते हैं उनके कंडीशंस फॉर पॉजिटिव से ग्राफ भी दिखाएंगे एंड देन देयर विल बी नेगेटिव डेरिवेशन क्या होता है तो यहां पर जब आप दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हो when you are mixing two components this is a and this is b a ki dosti a ke sath matlab apne hi jaise log hain jiske sath uski parvarish hui hai ek sath grow kiye hain b ki jo humne aapko example diya jab in dono ko mix kiya gaya the a has been brought a ko ab b ke sath interact karni hai this is called solution kya hota hai na jante ekdam achhi dosti nahi ho pati hai एकदम से इनके बीच जो है दोस्ती दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग दिस इंटरैक्शन इज लेस देन ए ए एंड बी बी ए को बी का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता है ऐसा नहीं है कि ए को पसंद नहीं आता है बी को भी पसंद नहीं आता है जैसे देखो एक को पसंद आएगा तो दूसरे को मनाने की कोशिश करता है यंग लॉर्ड के साथ क्या होता है ना उतना भी ईगो नहीं होता है यदि एक अच्छा है एक बहुत अच्छे विचार का रहते हैं तो वो कोशिश करता है ठीक है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है ठीक है तुमको पसंद नहीं आ रहा है रात में गाना मेरा गाना ठीक है आई डू इट अकॉर्डिंगली लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा है तुम इस तरह से सोचो एक को ही फॉल्ट नहीं दिया एक को नहीं बोला जा सकता दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहे वैसे सिचुएशन में क्या होगा ये सोचो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन ये जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है इंटरक्शन मतलब जो एक बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरक्शन ठीक है इससे वो क्या करने की कोशिश करेगा बोथ ऑफ देम अब क्या करने एक चीज बताओ जब हॉस्टल में सपोज दोनों को बिठाया गया वो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी भागें एक आइडियल सिचुएशन है दूसरा रूम में बच्चे आराम से रह रहे हैं पता चला जहां पर पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को वहां से दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं एक तो मुश्किल से कंप्लीट करके हॉस्टल में लाए पता चला कि वो दोनों अपनी अपनी जगह से उसको कहते हैं स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी जब आपके फ्रेंड्स ही नहीं है आपको अच्छे मिलेंगे आप दोनों को पसंद नहीं कर रहे हो तो दोनों के पार्शियल पेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे एक आइडियल सिचुएशन ये है दिस इज आइडियल सिचुएशन दिस इज तो ए भी यहां से उड़ना चाहेगा भागना उड़ना का मतलब वहां से भागना चाहेगा और बी भी भागना चाहेगा ये कन्विंस हो पा रहे हो समझ पा रहे हो आप कहीं से भागने की कोशिश क्यों करते हो क्योंकि आपको सामने वाले का साथ पसंद नहीं है ये थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखो ये ध्यान से सोचो ये हमारे आसपास होता रहता है हर समय हर समय आप कभी किसी के बगल में बैठना नहीं चाह रहे बिकॉज यू आर नॉट लाइक इट एंड सामने वाला भी आपको वो लाइक नहीं कर रहे हैं ठीक है तो आप वहां से भागना चाहते हो राइट छोटे बच्चे बोल देते हैं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो मेरे को बड़े बच्चे बड़े लोग जो हम लोग बुढ़े लोग हैं वो लोग कहते हैं वो कुछ नहीं बोलते वहां से हट जाते हैं वी मूव फ्रॉम दैट प्लेस तो यहाँ पर स्केपिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाती है राइट अब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो नई जगह उसको पसंद नहीं आया दूसरे का साथ इसलिए भागा अब ये बताओ कि हॉस्टल में बोला गया कि भैया आप 6 महीने तक आपका रूम चेंज नहीं होगा आप कंप्लीट करके आप उस कॉलेज में गए हो 6 महीना 1 साल आपका रूम चेंज हो ही नहीं सकता दैट इज अकॉर्डिंग टू रूल बिकॉज यू ऑल आर यंग यू हैव टू एडजस्ट यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट ये एक पॉलिसी होती है एजुकेशन सिस्टम का कि आपको लर्न करना होगा हाउ टू एडजस्ट विथ अदर्स ठीक है स्कूल में पता नहीं चलता कि आपका नेचर कैसा है आप आते हो 5 घंटे रहते हो स्कूल में चले जाते हो लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपको रात दिन एक साथ खाना पीना सब चीज करना है आपको लर्न करना होगा एडजस्ट करने का जो हॉस्टल के वार्डन हैं अब उनके लिए हेडेक है क्योंकि अचानक से रात में लड़ाई शुरू कर देते हैं
कभी किसी चीज से मारपीट शुरू कर देता है लेकर के, एकदम साथ पसंद नहीं है। ऐसे था कि उनको एक्सपेल कर दिया जाता, भगा दिया जाता, भगा नहीं सकते क्योंकि रूल है, पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, पेरेंट्स को भी पता है कि वो कॉलेज पे मिलेगा नहीं। और आपको पता है बहुत बार पेरेंट्स समझाते हैं तो सवाल ही नहीं उठता कि आप मान जाओ, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तो एक सोल्यूशन धीरे धीरे आता है, वार्डन वगैरह या दोस्त लोग वगैरह बताते हैं कि ठीक है एक दूसरे की शक्ल मत देखो, मत देखो, ये जो बेड एक साथ किया हुआ है ना उसको एकदम दूर दूर कर दो आप, और कोशिश करो कि बीच में पर्दा लगा देने का, ठीक है। उससे क्या होता है, वॉल्यूम जो है बेटा, मतलब कि उन दोनों के जो जो स्पेस वो लोग लेते रूम के अंदर, वो वॉल्यूम बढ़ गया आफ्टर मिक्सिंग, लड़ाई की वजह से दोनों अलग अलग हो गया। व्हाट इज वॉल्यूम एग्जैक्टली? स्पेस ऑक्यूपाइड। पहले एक लिमिटेड स्पेस पे बेड लगा हुआ था, अब पता चला कि एकदम से दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा वी मिक्सिंग हैज बिकम इक्वल टू जीरो, नहीं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। और तीसरी चीज, व्हाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव? आपको पता है एंडोथर्मिक, आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, ये सारी चीजें अब बार बार सुनना जो हम बता रहे हैं आपको, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे, यदि हमने पहले भी बोला क्या कि जो ठीक रखी रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसको लिखना नहीं है, समझना है, फील करना है बेटा। जबरदस्ती आप पेरेंट्स लगे हुए हैं कि इन दोनों में दोस्ती हो जाए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पेरेंट्स तो दूर हैं, पेरेंट्स तंग कर रहे हैं किसको, हॉस्टल वार्डन को, देखे ना मेरा बच्चा ये किया वो किया वो किया करके, वो पेरेंट्स यदि बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं तो बेटा वो अपने बच्चे में भी दोष बताएंगे, अपने बच्चे में भी दोष बताएंगे, मेरा बच्चा ये है। और कभी कभी पेरेंट्स इस तरह के, कभी कभी कहीं कभी कभी ऐसे ज्यादा कदा होता है, वो ज्यादा टाइम बोलेंगे दूसरा बच्चा जो है ना बर्बाद है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, सबसे सीधा। उनको ये नहीं पता है कि वो सीधापना सब निकल जाता है जब वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। मतलब हर पेरेंट, पापा लोगों को पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, मम्मी लोगों को थोड़ा लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है सबसे सीधा सबसे भोला भाला है, सो वो बी जो है ना उसको मार रहे हैं। अब बी के पेरेंट्स भी यही बात बोलते हैं, हॉस्टल के वार्डन की तो हालत खराब है, वार्डन ही नहीं आसपास वाले जितने भी हंगामा होना शुरू हो जाता है। इनका ध्यान यही है बार बार काउंसलिंग कर करके, इनको बुला करके एकदम पूरी एनर्जी इसी पर लगाए रखते हैं, सो बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। ये बात कन्विंस हो पाई या नहीं? दोस्ती कराने के लिए तुम लोग कभी कभी स्कूल में भी देखे होगे बेटा, लड़ाई किए तो टीचर कहते हैं दोनों चलो हाथ ये करो, हैंडशेक करो, वो छोटे में करते हो, छुटके में, जब एक दूसरे से वाटर बॉटल से मारा था कभी। मेरी बात सब सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो गए, yes. सो गए। No, ma'am. I'm just वो लोरी सुना रहे हैं, हमारे लड़के लोग तो लगता है सो गए, अब मुझसे लोरी सुना दी and they are flat. ज्यादा शैतान उन्होंने किया होगा। तुम नोटिस करना एकदम घर में ही अपनी लड़ाई करते हो ना अपने भाई बहन से, कितनी मम्मी परेशान रहती होगी, अभी तो घर में और करते होगे, ये कि नहीं ये बताओ। सिंगल चाइल्ड है लेकिन जो जहाँ होता होगा बेटा अगल बगल तो देखते होगे ना एकदम से, पेरेंट्स से पूछना बेटा बहुत लड़ाई होती थी घर में ही सब रहते थे उस टाइम तो, अभी फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया तो और लड़ाई, रिमोट के लिए लड़ाई होती होगी, लैपटॉप के लिए लड़ाई होती होगी, इसकी लड़ाई तो वो लड़ाई का, या तो फिर ठीक है आप अपने नहीं करते होगे, सिंगल चाइल्ड हो तो मम्मी से करते होगे, पापा से करते हो तो मम्मी सॉर्ट आउट करती होगी, तो आखिर किसी से लड़ना है, लड़ना है किसी से, बट समबडी हैज टू सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती है दोस्ती कराने के लिए, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। उस रिलेशन को ठीक से मेंटेन करने के लिए बाहर से सब लोग एनर्जी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का साथ पसंद नहीं करते। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से, व्हाई दिस इज ग्रेटर देन ग्रेटर एंड व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक, यानी कि ये जो पॉजिटिव डेविएशन है बेटा दैट इज एंडोथर्मिक, पॉजिटिव डेविएशन इज एंडोथर्मिक, रिमेंबर दैट, ठीक है, ये एंडोथर्मिक होगा, राइट। एंड नेगेटिव डेविएशन के साथ क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, इन नेगेटिव डेविएशन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, नेगेटिव डेविएशन में जब आप ए एंड बी
राइट, जस्ट ऑपोजिट। इतनी अच्छी दोस्ती होगी, तुम ये भी सुने हो, इतनी बढ़िया दोस्ती होगी, मतलब इतना अच्छा अच्छा सा रिलेशन बन गया इनका, इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई इनके बीच में कि भूल गया अपने घर को। तब ना हमारे सारे बिहारी बच्चे भाग जाते हैं बेटा, बाहर रहने लगते हैं। Yes. भूल जाते हैं कि हमारा वो वाला बिहार स्टेट जो था ना वो अच्छा था। वो दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर समथिंग। बहुत सारे बच्चों का, किसी के भाई बहन होंगे जो रोज दिन में 3 बार फोन करते होंगे, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि पेरेंट्स को बार बार फोन करना पड़ता है, क्या हाल है, वो लोग फोन नहीं उठा रहे क्योंकि दे आर सो, मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, या तो शैतानी में बोलो या जो भी है, अपनी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हो गई है। वो लोग अपने अपने ये ग्रेटर देन समझ रहे हो ना, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरक्शन। Is greater than, right? Solute and solvent interaction. Interaction क्या? वही hydrogen bonding, dipole interaction, यही चीज़ है. Solute and solvent interaction. ठीक है? इस पे बहुत question बनता है. इसलिए आपसे एक request होगा कि इस चीज़ को ध्यान से सुनना, मतलब सोचना. इस पे बहुत आपके assertion reasons वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बेटा पूरा हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिकली सोचो कि ऐसा होता है। yes, आप बताओ कि डेल्टा वी के साथ क्या होगा। वही बताया ना कि इतनी दोस्ती हो गई, अलग अलग बेड पे भी नहीं वो लोग ये करते हैं, बैठते हैं। They sit on the same bed. Yeah. It will be less than zero. एक ही प्लेट पे खा रहे हैं बेटा सारा चीज, मतलब इतनी अच्छी प्यारी दोस्ती हो गई इन लोगों की। So what you will say with the delta V mixing? Okay. ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, इसलिए थोड़ा congested भी हो गया तो चलेगा। Delta H mixing? Negative. ना प्यार है। Negative. Exothermic. आप बताएं कि जहाँ पर एकदम अच्छा सा bond बनता है, वहाँ energy is released. खुशियाँ दिखती रहेगी वहाँ। ठीक है? ये हो गया आपका positive and negative deviation वाली जो बात हम कर रहे हैं वो। ठीक है, अब सवाल उठ रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन सा उठाएंगे हम, पॉजिटिव में कौन जाएगा, नेगेटिव में कौन जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन की बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन आपका पॉजिटिव पे जाएगा, नेगेटिव डेविएशन पे जाएगा। और ये एक काम केवल बस हम आपसे थोड़ा सा यहाँ पर सजेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट। यहाँ पर बेटा फाइंड आउट करने आपको बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन का, बस एनसीईआरटी बुक से पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल एनसीईआरटी से कॉपी कीजिएगा, एंड नेगेटिव डेविएशन का क्या है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको यदि एनसीईआरटी में क्या क्या दिखा है, दैट आई वुड लाइक टू सी। नेगेटिव डेविएशन में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन अक्सर रहेगा कि पॉजिटिव डेविएशन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। पॉजिटिव डेविएशन मींस डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, जरा सा हम देख लें कि आप में इतनी हिम्मत है, इतनी गट्स है कि एग्जाम्पल लिख करके आप शेयर कर दो, यदि ठीक है ग्रुप में ही शेयर कर दो, यदि आप देख लें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस में कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली यू नीड टू कॉपी डाउन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो नेक्स्ट क्लास में जब ये करेंगे आप सब चेक करेंगे कि वेदर इट्स डन और नॉट एंड व्हाट आर दोज एग्जाम्पल्स, वो आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। अब आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझना होगा उसके थ्रू ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे इसको बनाओगे, आइडियल हम लोग बनाए थे ना कि व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर वोलेटाइल इन नेचर, इधर पी था, याद आ रहा है कुछ, वेपर प्रेशर
इधर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, यस मैम। आइडियल बनाया था हम लोगों ने, a chi is equal to 1, b is equal to 0, chi is equal to 3 by 4, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी एकदम कम हो जाती है। So what we understood at this stage, ये बेटा P not A हुआ, याद था आपको? And आपने ideal situation में ऐसा दिखाया था, ideal straight line which obeys Raoult's law, कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही कुछ किए थे ना? Yes ma'am. This is P not B. So उसको हम ideal अक्सर में imaginary होता है, the dotted mark से दिखा दिया। अब आइए बेटा ये लो, आप लोग अब क्या सीन, दिस इज, दिस वाज योर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, राइट? दिस इज योर पी बी। आइडियल में क्या होगा, ये लाइन किसका दिखाता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन के केस में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, ठीक है? ये क्या होगा, बड़ा हो रहेगा, दिस पार्शियल वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, जो आइडियल है, ये आइडियल था। क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि ए भागना चाहते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आपको पहले ही बताएं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसमें स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, पीबी का। This is your P A greater than P not A chi A, this line. This is your P B greater than P not B chi B. तो आपको यदि P A P B बढ़ा हुआ है, so naturally solutions का value भी बढ़ जाएगा। ये था आपका P S, P A plus P B. अब जब ये दोनों के value बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए, तो इसका भी ऐसे elevated दिखेगा। बोलो ठीक है? Yes, 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 yes. अब क्या सीन है बेटा, यहाँ पर एक चीज समझना। इस वाले केस में आपको पता है कि हर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, ए का अलग है, बी का अलग है, सभी का, राइट? एंड तुम लोगों में से कितने को बॉइलिंग पॉइंट पता है बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट वर्ड? ये वर्ड सुना है कभी? यस मैम, यस मैम। क्या सुना? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, क्या बताने की कोशिश करो? एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड फेज टू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट ये पता है कि टेम्परेचर एट विच, असल में अब आप होशियार हो गए हो, टेम्परेचर एट विच, जब आप पानी, सपोज करो पानी खौला रहे हो, वेपर प्रेशर बन रहा है बिकॉज पानी उड़ रहा है, विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, vapor pressure of substance, temperature at which vapor pressure of substance becomes equal to what? Atmospheric pressure. ये बात समझ में आ रही है आपको? That is a boiling point. Boiling point उस temperature की हम बात कर रहे हैं जहां पर vapor pressure of substance becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure कितना होता है Earth पे? At STP 180. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये पॉइंट जो है ये वाली पॉइंट आप देखिएगा,
इधर वेपर प्रेशर है, इसी में ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज ये वैल्यू, ये वन एटमोसफेयर है। वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर दिखाया, अच्छे से रूलर वगैरह से बेटा ड्रॉ कीजिएगा, दिस लाइन इज वन एटमोसफेयर, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये बता सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस इस वाले केस में कहां बॉइल करेगा। यदि तुम एक सोल्यूशन बनाए हो, हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जानना चाह रहे हैं बेटा। हम लोगों को पता है कि पानी बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एसीटोन बॉइल करता है लोअर टेम्परेचर पर, ये मालूम है। लेकिन जब हम सोल्यूशन बना देते हैं, सोल्यूशन के अंदर यदि एसीटोन एंड वाटर लिए हुए हैं, तो ये बात जान लो ये लोग अपने अपने टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। वाटर विल बॉइल एट वाटर खोल के जाएगा 100 पे, ये जाएगा 80 पे, ऐसे करके अपने अपने टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। समझ आ रही है बात? मतलब कि इस पॉइंट पर हमने सोल्यूशन, इस पॉइंट पर तुम जानना चाहोगे ए के बारे में। बेटा नीले से दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ए के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट, ए को इतना टेम्परेचर, एक्स्ट्रा वेपर प्रेशर चाहिए। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। तुम पानी चढ़ाते हो चूल्हे पे तो क्यों खोलने लगता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। दूध क्यों खोलने लगता है, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो दैट इज द टेम्परेचर। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इस ए के बारे में कि ए इतना है, बी इतना है, आपको क्या लगता है कि ए कब बॉइल करेगा? तो आप बोलोगे इसको और इतना वेपर प्रेशर चाहिए। सुन रहे हो? टू मेक इक्वल टू व्हाट? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना भी चीज बॉइल करता है, ये बात दिमाग में बिठाइए, वो सब्सटेंस को जब चूल्हे पे आप चढ़ाए तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ा, और जैसे ही उसका वैल्यू एक एटमोसफेयर के बराबर हुआ, वन एटमोसफेयर के, वो बॉइल कर गया, गायब होने लगा धीरे धीरे। बी को कितना चाहिए बेटा? बी को कितना चाहिए? बी का यहां है, बी को ये चाहिए, ए को इतना चाहिए, ए का यहां है, ए को कौन बॉइल जल्दी करेगा ये बताओ। इस पॉइंट पर बॉइल जल्दी करेगा बी, क्योंकि बी को थोड़ा ही वेपर प्रेशर चाहिए, ए को ज्यादा चाहिए, ठीक है। हर जगह पे, यहाँ पर, यहाँ के केस में ए का, ए को और ज्यादा चाहिए, बी को कम चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें तुम समझ सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर दोनों एक साथ बॉइल करता है किसी भी और टेम्परेचर पर। आपको दिख रहा है ये पॉइंट जहां पर इक्वल टू बी बी? कितने लोगों को दिख रहा है ये लाइन, ये पॉइंट? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, सभी को दिखा? यस मैम। यस मैम, इक्वल टू पी बी, पार्शियल बी, ये पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है। बेटा इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, कॉम्पोजिशन होगा, दिस कॉम्पोजिशन, इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। एक नया वर्ड है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कॉम्पोजिशन, इत्तिफाकन हर सोल्यूशन में होता है ऐसा, इत्तिफाकन, जो कि हर सोल्यूशन में फर्क आएगा। ये दोनों सब्सटेंस अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट भूल जाएगा और किसी एक जगह पर मजबूरी में, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जा रहे हैं, आप जब फेटा फेटी कर रहे हो ना, तो एक सर्टन रेशियो रहता है उसका, जिस समय दोनों के दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दोनों बॉइल करेगा एक साथ। So what is exactly azeotropic mixture? Yeah, intersection hota hai. Azeotropic mixture is at particular composition. Particular composition.
all the components. Components show same boiling point. Okay. And they can be distilled out. Ek saath khol karke udega. And they can be distilled out together. Distilled out together. जैसे और टाइम में क्या होता है, जब हम खोलाने लगते हैं ना, तो एक पहले बॉईल करके उड़ जाएगा और दूसरा जो है बाद में बॉईल करेगा, ऐसा होता था, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जब एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, यानी कि कॉम्पोजिशन है, दोनों के दोनों वेपर प्रेशर बराबर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पार्शियल वेपर प्रेशर बिकम सेम. कोई मजबूरी है, कोई चारा ही नहीं है, बोथ ऑफ देम विल बी बॉइलिंग टुगेदर एट द सेम टेम्परेचर. मतलब ए का यदि नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस है, बी का यदि 80 डिग्री सेल्सियस है, तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर यदि ये लोग बना रहे हैं, ठीक है, दे विल बी बॉइलिंग एट 90 डिग्री सेल्सियस. बोथ ऑफ देम, बोथ ए एंड बी विल बॉइल टुगेदर, बोथ ऑफ देम विल बॉइल टुगेदर एट 90 डिग्री सेल्सियस. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. और अच्छे से समझिएगा. अब जरा सा हम ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का बनाते हैं. ये पॉजिटिव का तो हो गया, जल्दी से नेगेटिव डेविएशन का बनाते हैं. व्हाट इज देयर इन नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ आपका क्या रहेगा? ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, एकदम वैसे ही रहेगा. केवल बता दो, थोड़े दिमाग लगाओ, क्या होगा इस दफा? तो वैसे ही लेवल कीजिएगा. दिस इज फॉर आइडियल, ये वेपर प्रेशर है P not B, A, ये आपका आइडियल सिचुएशन था. एंड दिस इज फॉर मोल फ्रैक्शन. ये सब जो पॉइंट है इसके कॉम्पोजिशन लिखिएगा, ठीक है. नेगेटिव में क्या जाएगा? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी लेस. पी ए इज लेस देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी काई बी. अब तुमको बस एक कंपैरिजन करना है बेटा, एक कंपैरिजन करनी है आपको. पता है क्या, किसमें किसका एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो है जल्दी बॉइल करेगा? थोड़े से हम लोग दिमाग लगाएंगे. दिस इज वन एटमोसफेयर. किसका एजोट्रॉपिक मिक्सचर जल्दी बॉइल करेगा? मैम पॉजिटिव डेविएशन. ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. इसको इतना चाहिए वेपर प्रेशर, इसको इतना ही चाहिए. कौन जल्दी बॉइल करेगा? पॉजिटिव डेविएशन. राइट, वेरी गुड. जो सुन रहे हो बहुत सही आंसर दिए हो. यही पलट करके जानते हो, तुम्हारे एडवांस वगैरह सभी में क्वेश्चन पूछते थे, अलग पलट करके. पॉजिटिव डेविएशन शोज, दिस शोज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप. नेगेटिव शोज क्या लिखेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. आपको हमने बेटा होमवर्क दिया है, इसको कीजिएगा और इसको बढ़िया से नोट्स बना करके. बस बस टुमारो इन द क्विज वी विल हैव दिस टॉपिक ओनली ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल. यस ओके, स्टिल हियर. सो बस इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर अस वी विल स्टडी आल्सो. कैसे पढ़ते हो, अच्छे से? कैसा लगता? Yes, yes. तो अच्छा लगता है. कंपटीशन रहता है कि पहले देना है आंसर. ऐसे तो वो लोग बहुत फास्ट होते हैं, बट मैं फिर भी बिकॉज़ दे वो लोग एक साल से है ना बेटा वहां पर. हां, यस मिस. एक साल से हैं